दांडिया रास उत्सवानिकी हैदराबाद सिद्धमैंदी सेलिब्रिटी हुड हैदराबाद आध्वर्यंलो दांडिया रास उत्सव पेरुतो राबोये दसरा नवरात्रि उत्सवालनु घनंगा निर्वहिस्तामनी निर्वाहकुलु अंटुन्नारु अक्टोबर 15 नुंडि 23 वरकु इंपीरियल गार्डन लो घनंगा दांडिया उत्सवालु निर्वहिंचेंदुकु सन्नद्धमवुतुन्नट्लु तेलिपारु दसरा नवरात्रि उत्सव पोस्टर्नु कांग्रेस अध्यक्षुलु अनिल कुमार यादव चेतुल मिदुगुगा आविष्करिंचारु प्रांतालकु अतीतंगा ई संस्कृति हैदराबाद्कु व्यापिंचिंदनि 100 मंदि गुजरातीलकु उचितंगा दांडिया उत्सवालल्लो पाल्गोनेंदुकु अवकाशं कल्पिंचिनट्लु अनिल कुमार तेलिपारु इक दांडिया उत्सवालकु हैदराबाद प्रत्येक केंद्रंगा निल्चिंदनि मुंबई गुजरात नुंडि प्रत्येकंगा कलाकारुलु कूडा ई दांडिया धमाल्लो पाल्गोंटारनि अन्नारु अंते काकुंडा ई एडादि प्रत्येकंगा कुटुंब समेतंगा वच्चे एसके नवरात्रि उत्सव पेर तो अंगरंग वैभव दांडिया मेला निर्वहिस्तुनारु मुंबई नुंडि 18 मंदि प्रत्येक टीम दांडिया निर्वहिंचडानिकि वस्तुनारु प्रतिरोजु 5000 मंदि कार्यक्रमंलो पाल्गोंटारनि निर्वाहकुलु तेलिपारु अनंतरं गुजराती वेषधारणलो युवती युवकुलु चेसिन दांडिया नृत्यालु अंदर्नि आकट्टुकुन्नायि इक दांडिया रास उत्सव निर्वाहकुलु मणिकांत गौड् गोकुल यादव राजेश वकीराय हितिसेजी सुनीता पटेल मेगा भयंकर ज्योति कविता पाल्गोन्नारु हैदराबाद में करने जा रहे हैं। ऐसा अगर देखा जाए तो नवरात्रि बहुत काफ़ी सालों से थे गुजरात की हिस्ट्री अगर आप देखते हैं तो 400 साल पुरानी हिस्ट्री है। निजाम के टाइम पर यहाँ आ गए थे तो तब से नवरात्रि चलती है पर धीरे धीरे एक टाइम जाके ऐसा हो गया कि गुजराती की नवरात्रि नहीं रह गई, कॉस्मोपॉलिटन सिटी बन गया और हर जाति के जितने भी लोग तो सब इंटरेस्ट लेने लग गए और ये नवरात्रि आज ऐसा हो गया है कि हर कौम की नवरात्रि हो गई तो है। तो मेरा बोलना यह है कि हैदराबाद में जो चीज़ अभी होने जा रहा है इंपीरियल गार्डन के अंदर कई साल से हो रहा है पर इस बार हम लोग इसका रिकॉर्ड ब्रेक करने जा रहे हैं।